एक और जहां पर देश में कोविड-19 का कहर है, तो वही लॉकडाउन के समय शहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक कलयुगी बेटे ने मां और बहन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया है, जिससे मां का सर धड़ से अलग हो गया। वहीं बीच बचाव करने आई बहन को भी गंभीर चोटें आई थी। पीड़िता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सिम्स रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान पीड़िता ने भी दम तोड़ दिया। मामला कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच का बताया जा रहा है, जहां रामगोपाल तिवाड़ी वार्ड निवासी अनिल यादव और सोनू ने अपनी मां सुनीता यादव और बहन मधु यादव पर टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे घटना स्थल पर ही मां की मृत्यु हो गई। वहीं बहन की भी हालत गंभीर बनी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नशे का आदि था। आरोपी द्वारा मां से शराब के लिए पैसे की मांग करने पर मां ने पैसा नहीं दिया, जो आरोपी को नागवार गुजरी और आरोपी ने धारदार हथियार से अपनी मां पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव में आई बहन को भी घायल कर दिया, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा। लगभग 20 मिनट तक घर के बाहर टंगिया लहराकर आरोपी घूमता रहा। पुलिस को आरोपी से कुल्हाड़ी लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंत में समझाइश के बाद टंगिया छोड़ा, तब जाकर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। मुंगेली थाना के अंतर्गत राम गोपाल तिवारी वार्ड स्थित एक घर में आज एक घटना हुई है 10:30 बजे के आसपास, जिसमें सुनीता यादव नाम की महिला को उसके पुत्र ने ही, जिसका नाम अनिल यादव है, गर्दन पे कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दिया है। साथ ही साथ उसकी बहन, जिसका नाम मधु यादव है, वो भी घायल हुई है, उसको भी सिर में चोट लगी है। आरोपी को तत्काल कस्टडी में ले लिया गया अनिल यादव को, और विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिसे रिमांड पर भेजा जाएगा। इसमें हमने प्रथम दृष्टिया वहाँ पर पूछताछ की, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इनका परिवार जो है रोजी मजदूरी करके जीवन यापन करता था। साथ ही साथ ये लड़का सबसे बड़ा था अपने घर में, और इसको हमेशा बोलते थे कि कुछ काम किया करो। इस बात से ही वो आक्रोशित होकर हत्या किया है, ये जानकारी आई है। विस्तृत विवेचना की जाएगी इसमें। नहीं, इस दौरान वो नशे में नहीं था। वो कोरोना से जंग अब भी जारी है, ऐसे में नेशन अपडेट की टीम बार बार आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more, please subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.